नमस्कार दोस्तों, एचआरआई न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुख्य समाचार, बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके सभी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, और अगर आप लोगों को आगे वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। खबर बताते चलें आप लोगों को, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई की हो चुकी है एंट्री। आरजेडी के नेताओं के ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से पड़ी है रेड। एमएलसी सुनील बोले, बीजेपी के आदेश पर मारा गया है छापा। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के ऐलान के बाद ही जिस चीज का अंदेशा पूरा देश लगा रहा था, वो आज यहां पर बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले देखने को मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर के। जी हां, एक और जहां आज बिहार में नई महागठबंधन सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, और वहीं दूसरी और सीबीआई के द्वारा आरजेडी नेताओं की आवास पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी बिहार और झारखंड में हुई है। बताते चलें, जिन नेताओं के घर पर छापेमारी हुई है उनमें एमएलसी से लेकर के सांसद तक शामिल हैं। बताते चले, छापेमारी को लेकर के एमएलसी सुनील सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी के निर्देश पर ही छापेमारी की जा रही है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो झारखंड में ईडी ने जबरदस्त तरीके से छापेमारी की है। ये यहां पर जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था पहले से ही, वो आज यहां पर देखने को बिहार के अंदर मिल चुका है। जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना समर्थन वापस लिया, वैसे ही केंद्रीय एजेंसियों को बिहार के अंदर एक्टिव कर दिया गया है। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग अपनी राय। एक और अपडेट बताते चलें, कांग्रेस पार्टी को जल्द ही मिल सकता है नया अध्यक्ष। सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है, आप बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। खबर बताते चलें, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के असमंजस बरकरार है, क्योंकि पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से पूरी तरह से लगभग इनकार ही कर दिया है। और वहीं खबर के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले हैं। इस दौरान कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को अध्यक्ष बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही बताते चलें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद यहां पर कहा है कि मैं बार बार यह कहता रहा हूं कि कांग्रेस तभी पुनर्जीवित होगी जब राहुल गांधी जी के हाथों में बागडोर होगी। उनके बिना लोग निराश होंगे और घर बैठे रहेंगे, ऐसे में पार्टी कमजोर हो जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी को सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी का कार्यभार संभालना चाहिए। और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बड़े बदलाव की ओर अग्रसर नजर आ रही है। दशकों के बाद वह गैर गांधी को अध्यक्ष यहां पर चुन सकती है, ये खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों के अनुसार अगर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी या नहीं, आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, एनडीटीवी के अडानी के हाथ में पहुंचने से सोशल मीडिया पर मचा है बवाल। लोगों ने दे दिया है एनडीटीवी को नया नाम, नरेंद्र दामोदर दास टीवी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, मीडिया जगत में एनडीटीवी को अपनी साफ गोई और सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब अडानी ग्रुप ने इसे अपने हाथ में ले लिया है। एनडीटीवी मौजूदा समय में 3 न्यूज चैनलों के साथ डिजिटल मीडिया का सशक्त प्लेटफॉर्म भी चला रहा है, और जाहिर सी बात है कि अब इस मीडिया हाउस के तेवर पहले जैसे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अडानी को पीएम मोदी का अच्छा दोस्त माना जाता है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठे। इसके साथ ही गौतम अडानी की इस डील के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। एक शख्स ने तो एनडीटीवी का नामकरण भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अडानी की अगुवाई में चलने वाले चैनल का नाम रखा है
नरेंद्र दामोदर दास टीवीज के साथ ही एक अन्य यूजर का कहना था कि सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, अब ये मीडिया हाउस भी गोदी मीडिया में शरीक हो गया है। उनका कहना था कि एक अकेला चैनल सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता था और अब तो ये भी चुप हो जाएगा क्योंकि अडानी पीएम मोदी के बेहद ही नज़दीकी दोस्त हैं। एक अन्य यूजर ने पत्रकार रविश कुमार के लिए चिंता जाहिर की है। उनका कहना था कि रविश को अब यूट्यूब चैनल खोल करके गुजारा करना पड़ेगा। एक अन्य शख्स का कहना था कि एक दमदार आवाज़ अब सुनाई देनी बंद हो जाएगी। उनका मानना है कि रविश कुमार अडानी की गुलामी तो करने से रहे। ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। देख सकते हैं कि NDTV का मालिकाना हक अब यहाँ पर अडानी समूह को मिल चुका है, जिसके बाद लोगों ने तरह तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना आखिर किसकी है, अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी इस पूरे मामले पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुरुवार तक कोई भी एक्शन ना ले चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, शिवसेना पर अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट और उद्धव खेमा की तरफ से कई दलीलें दी गईं। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई भी कार्रवाई ना करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब संविधान पीठ ही तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वह अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान पीठ यहां पर विचार करेगी। ये पूरा मामला अब संविधान पीठ में पहुंच गया है और अब 5 जज फैसला करेंगे कि शिवसेना आखिर किसकी है। और इस पूरे मामले में साफ तौर पर उद्धव ठाकरे का खेमा मजबूत नजर आ रहा है, ये यहां पर खबर है। अगली अपडेट बताते चलें। रामदेव एलोपैथी के खिलाफ कुछ भी ना बोलें, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है फटकार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बेंच ने एक आदेश में रामदेव से कहा है कि उन्हें डॉक्टरों और उस सिस्टम के खिलाफ कुछ भी अपशब्द कहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। यह बेहतर होगा कि वह अन्य मेडिकल प्रणालियों की आलोचना करने से दूर रहें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो अन्य मेडिकल सिस्टम की आलोचना किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि रामदेव की चिकित्सा प्रणाली बेहतर है और काम करेगी, इसलिए वह किसी के ऊपर भी सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि एलोपैथी के खिलाफ कुछ भी ना बोले रामदेव, ये यहाँ पर दो टूक कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक और अपडेट आ रही है सामने। कांग्रेस ने बिल्किस बानो के लिए की है न्याय की मांग। यूपी से गुजरात तक दोषियों की रिहाई के खिलाफ शुरू कर दिया है अभियान। कांग्रेस ने बिल्किस बानो मामले में हाल ही में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के खिलाफ यहां पर एक अभियान शुरू किया है। ये अभियान भारत के राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात, जहां पर इस साल चुनाव होने हैं, वहां तक किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी यहां पर इस फैसले को चुनौती दे दी गई है 11 दोषियों को रिहा करने के। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक HRI न्यूज़ के माध्यम से पहुँचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।